सलामुअलैकुम। ये देखें, ये हमारा दोपहर का खाना तैयार है। ये हम बेसन की मगोशी बना रहे हैं। ये हमने प्याज को स्टीम पर रख दिया, बेसन की मगोशी फ्राई कर रहे हैं। सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ये देखें, ये हमने ये फ्राई कर ली है और ये कुछ इस तरह की है। अब हम प्याज लेंगे, उसमें डालेंगे। सलामुअलैकुम व्यूअर्स, छोटी बहनों ने आज दोपहर को खाना नहीं खाया तो उसके लिए मैं बना रही हूँ रोस्ट। ये हमने स्टीम लगवा ली है, अब हम इसको बस थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये हमने रोस्ट पर स्टीम लगवाई थी और अब हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे और ये रोस्ट हमारा तैयार हो जाएगा। हो जाएगा फ्राई और तैयार हो जाएगा हमारा रस्ता गर्मा गर्म रोटी। ये सैलड, रायता, गर्मा गर्म साथ रोटी। सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ये देखिए कितना जूसी और जूसी बना ये रोस्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़े का रोस्ट बना है। ये रायता विद सैलड, ताज़ा घर की रोटी। सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से। सॉरी कि काफ़ी दिन आपसे मेरी बातचीत नहीं हो सकी, वो इसलिए कि कुछ फैमिली के आना जाना था और कुछ मैं बीमार थी। ठीक है, आज मैं ठीक हूँ तो मैंने कहा अपनी फैमिली से हेलो हाय कर। आपको पता है जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे रूटीन के काम शुरू हो जाते हैं। पहले मैं सुबह उठी, थोड़ा सा अल्लाह को याद किया, उसके बाद मैंने ऊपर गई, अपने मुर्गों को छोड़ा, फिर उनको बंद किया, फिर मैंने अपने छोटी मुर्गियाँ जो ली हुई थी वो आपको मैंने बताया था वो छोड़ी, उनको दाना खिलाया। उनको पास बैठ के खिलाना पड़ता है क्योंकि बड़े तो बड़े हैं, उनके पास बिल्ली वगैरह कुछ नहीं आता, फिर वो खुद ही मार के भगा देते हैं। लेकिन जो छोटे हैं उनके पास कुछ टाइम बैठना पड़ता है। तो अब उसके बाद नीचे आई, फिर बड़ी बेटी ने नाश्ता बनाया हुआ था, ब्रेड और चाय। मैंने जैम लेना नहीं था क्योंकि मैंने टेस्ट करवाया था और मुझे शुगर थी, इसलिए फिर मैंने जो थी ब्रेड वो मैंने चाय के साथ लिया। उसके बाद फिर मैं कल ना पनीरी लेके आई थी पौधों, पर मैं ऊपर गई तो वो ना भर के रखे हुए थे गमले, लेकिन फिर बारिश हो गई, बहुत बारिश हुई। बारिश के बाद फिर मैंने कहा चलो ये खुश्क हो जाएंगे, पानी उनका गिरा के आ गई थी, लेकिन सूख गई पनीरी लगाने तो वो पौधे अभी नहीं ठीक हुए, उसमें उतना ही पानी था। फिर मैंने उनको ना ज़रा धूप पे रखवा दिया, अब ज़रा खुश्क होंगे तो उसमें पौधे लगाने हैं। मैं पनीरी लेके आई हूँ बैंगन की, टमाटरों की और फूल गोभी की और बाकी सब सब्जियों के जो इस मौसम में लगती हैं उनके मैं बीज लेके आई हूँ, क्योंकि वो बीज वगैरह आपको बताया था कि इधर बाज़ार जाने की इतनी परमिशन नहीं है। फिर मैं टोबा गई और वहाँ से मैं चीज़ें लेके आई सारी, क्योंकि इधर परमिशन नहीं है बाज़ार जाने की। एक दुकान पे चले जाए हर बंदा जानता होता पूछता होता है उसके पास हो जाता, फिर मैं वहाँ से लेके आई। अभी वो बीज मैंने वैसे ही रखे हुए हैं क्योंकि आज बाकी तो ना जो पनीरी लगानी है वो तो गमलों में मिट्टी डाली हुई है, लेकिन जो बीज लेके आई हूँ उनके लिए मिट्टी नहीं है। आज किसी को फ़ोन पे कहूँगी तो गांव से मिट्टी मंगवाऊँगी, फिर वो पौधे लगाऊँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। और उसके अलावा बस थोड़े से काम थे, मैं पौधों के लिए खाद खुद घर में बनाने लगी हूँ और जो छोटी मुर्गियाँ हैं उनके लिए भी खुराक खुद बनाऊँगी। जब मैं बनाऊँगी फिर मैं आपको बताऊँगी कि उनमें मैंने क्या क्या डाला है। मैंने वो पत्ती मंगवाई है जो चाय की पत्ती होती है,
जो चाय बनाते हैं उनको फ़ोन किया था, उन्होंने ज़्यादा सारी पत्ती भेज दी। फिर मैंने उन उसको पत्ती को बाल्टी में डाला और पानी डाला, पानी डाल के फिर स्टेन किया उसको। जब बिल्कुल दूध हर चीज़ निकल गई, साफ़ हो गई, फिर उसको धूप पे फैलाया। फिर मैंने अंडों के शेल्स मंगवाए बेकरी वाले को कह के, वो शेल्स मैंने धूप में रखे हुए हैं, खुराक में शेल्स और पत्ती डलेगी तो। लेकिन जो मैंने इनके लिए बनाना है पौधों के लिए खाद, उसमें कुछ और चीज़ें डलेंगी, फिर जब मैं डालने लगूँगी फिर मैं आपको बताऊँगी। तो कुकिंग बेटी ने की है, पहले उसने मगोछी बनाई है, पहले दिन आपसे नहीं मेरी मुलाकात हो सकी, लेकिन दूसरे दिन उसने रोस्ट बनाया है, वो वीडियो आपको भेजेगी। तो इंशाल्लाह इस तरह मैं आपको वीडियो भेजती रहूँगी, इंशाल्लाह आपसे अब मेरा रابطہ रहेगा। बस वो ना कुछ बीमारी की वजह से मेरा आपसे रابطہ नहीं हो सका, क्योंकि अब टेस्ट करवाए थे तो उन्होंने कहा कि ना टेंशन से ना आपके रेड सेल्स वीक हो गए हैं, फिर इसलिए उन्होंने मेडिसिन वगैरह लिख के दी थी। आज मैं इंशाल्लाह शुरू करूँगी, फिर आपसे गपशप होगी। अपना सब आप ख्याल रखें, अपनी बड़ों की इज्जत करें, बच्चों से प्यार करें। अल्लाह हाफ़िज़।